हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अजर्शन रीजन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। अजर्शन रीजन प्रॉब्लम्स दिखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, असल में उतने हैं नहीं। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, अगर हमने एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है और अगर हमने सारे प्रॉब्लम्स को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो अजर्शन रीजन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपको काफी क्लूज दे के रखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, जैसे उसमें चार ऑप्शंस रहते हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना रहता है। तो हमें अपनी नॉलेज के बेसिस पर जितना जल्दी हो सके उसको आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन एक नंबर का ही होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ज्यादा मार्क्स लूज ना करें। यस, तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अजर्शन रीजन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। और आज की वीडियो में मैंने स्पेशली साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन से अजर्शन रीजन प्रॉब्लम उठाए हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहां पे बच्चों, अगर हम अजर्शन रीजन प्रॉब्लम्स को देखें कि फिजिक्स में से जो फिजिक्स वाला पोर्शन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स का, उसमें से अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये देखने के लिए मैंने क्वेश्चंस अटैच किए हैं। हर क्वेश्चन को अटैच करने से पहले इतनी लंबी एक कहानी है जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में लिखी हुई मिलेगी। ये कहानी पहले ही लिख देता है, क्योंकि आगे के जितने भी अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, सब में यही कहानी वर्कआउट करती है। यस, आपको करना क्या है, क्या लिखा हुआ होता है? लिखा हुआ ऐसा होता है कि आने वाले क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 या 16, जो क्वेश्चंस आगे इस पैराग्राफ के बाद आपको मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। पहली स्टेटमेंट का नाम होगा अजर्शन और दूसरी स्टेटमेंट का नाम होगा रीजन। अजर्शन और रीजन कुछ नहीं है, पहली स्टेटमेंट को अजर्शन कहते हैं और दूसरी स्टेटमेंट को रीजन कहते हैं। रीजन वाली स्टेटमेंट एक्चुअली में ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी जाती है, मेन पर्पस तो उसका यही होता है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लगता है, ये आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके बताना होता है। अगर आपको लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और दूसरी स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को, मतलब पहली स्टेटमेंट को सही सही तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए करेक्ट। अगर आप बोलोगे कि पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट, मतलब रीजन वाली स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती है, तो ऐसे में आप ऑप्शन बी को टिक लगाओगे। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप सी पे टिक लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि पहली स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ये कैसे करना है, इतनी सारी कहानी एक साथ सुन के दिमाग घूम जाता है, बट अगर मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊं तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं। तो क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द चार्ज पासिंग थ्रू इट। भाई, जो करंट एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ऐसा लिखा हुआ है। ओनली तो नहीं लिखा हुआ है, लिखा है चार्ज पे डिपेंड करता है, तो मैं मानता हूं कि हाँ भाई, ये बात तो सही है, ये तो ट्रू बात है। पहली स्टेटमेंट की हकीकत मुझे पता चल गई, अब मैं अगली स्टेटमेंट पे चलता हूँ। अगली स्टेटमेंट क्या कहती है इसके बारे में, इसको पहली वाली स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर रही है। रीजन लिखा है ना, तो क्या रीजन दे रही है जरा देखें। वो बोल रही है, द अमाउंट ऑफ करंट पास्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा भी था, दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू को बताया गया था कि भाई साहब क्यू चार्ज होता है और टी हमारा टाइम होता है, तो ये बात तो सही है। कहने का मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरी स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। तो दैट्स व्हाई मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे मैं कहूंगा बोथ ए एंड आर, दैट मींस अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों। आप सीधा पहले चार ऑप्शंस में से कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहली स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के, उसके बारे में सोच के, पहले उसके बाजू में लिख लो, फिर दूसरी स्टेटमेंट के बारे में लिख लो, फिर आप ऑप्शन से मैच करो कि ये किस ऑप्शन को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली, अगर मैं अगले पार्ट की तरफ चलूं, तो अजर्शन बोलता है ओम्स लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ भाई ओम्स लॉ था क्या, तो मैंने कहा कि भाई ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू I इनटू R,
तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, तो मैं कहूंगा भाई साहब ये स्टेटमेंट ट्रू है। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसका रीजन, क्या रीजन लिखा हुआ है, ओम्स लॉ की कहानी लिखी हुई है। एज पर ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई साहब ये वर्ड मैंने तुरंत पकड़ लिया क्योंकि ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई मैंने जो ऊपर कानून लिखा है ओम्स का वो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ इस तरीके का ग्राफ भी देखा था हमने, आप याद करें तो V और I का ग्राफ अगर बनाते तो एक स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी बता रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये तो भाई मुझे पसंद नहीं आई, मैं तो कहूंगा कि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढू जिसमें अजर्शन ट्रू हो लेकिन रीजन फॉल्स हो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आंसर इज है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहता है कि अजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है इसको सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी। आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है। साथ ही साथ हम कितना अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमने एनसीईआरटी को कितना अच्छे से पढ़ा है। किसी पर किन्हीं 50 किताबों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन ओनली वन थिंग दैट इज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भले ही आप कुछ सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस कर लो दैट इज इनफ, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है कि मेरा दोस्त है पप्पू और मेरा दोस्त है चप्पू, पप्पू ने इस्तेमाल कर ली कोई एक और किताब, कोई एक्स वाई जेड गाइड फॉलो कर रहा है, कोई एबीसी गाइड फॉलो कर रहा है, मेक्स नो सेंस। यस ओके, अगले एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंसुलेटर्स कैन कंडक्ट करंट, पहली ही बात में मुझे मजा नहीं आया। इंसुलेटर्स मतलब प्लास्टिक, इंसुलेटर्स मतलब लकड़ी, और यहां पे बोल रहा है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं करंट, तो इस बात से मैं बिल्कुल ही असहमत हूं। आप मेरे साथ आप भी लोग अग्री करेंगे, आप भी कहेंगे सर ये तो गलती लिख दिया इसने, तो मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, धोखा ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका रीजन पढ़ू तो रीजन लिखा हुआ है पावर इज एक्सप्रेस्ड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब अजर्शन ही गलत है तो रीजन का क्या मतलब बनता है, ऊपर वाली स्टेटमेंट ही गलत है तो वो उसका रीजन तो रीजन नहीं हो सकता ना, उसका रीजन अब सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह कंसिडर होगा। अब आप मुझे बस इतना बताओगे कि क्या ये स्टेटमेंट में कुछ दम है कि नहीं। तो हम देखते हैं पावर इज एक्सप्रेस्ड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो भाई पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डब्ल्यू बाई टी, और उसको वर्क डन पर यूनिट टाइम ही कहेंगे, तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। That means assertion गलत हो लेकिन reason true हो, बस ऐसा कोई option है क्या मेरे पास? है ऐसा option? ऐसा option है option number D, जो कहता है assertion is false but the reason is true। तो बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं कि question में क्या statements लिखी हुई हैं। एक statement को at a time पढ़ रहा हूं, दो statements एक साथ नहीं पढ़ रहा हूं। अब इसी तरीके से मैं अपने आखिरी सवाल पे आ जाता हूं बच्चों, assertion reason के फिजिक्स में से आने वाले सवालों की पॉसिबिलिटीज है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स लेंथ, अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, क्या ऐसा मैंने कहीं कुछ पढ़ा है क्या? देखते हैं जरा। हमने देखा था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो यहाँ पे एल जो है वो है लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। अब आर बी अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं R by 1 की फॉर्म में, तो R भी न्यूमरेटर में है और लेंथ भी न्यूमरेटर में है, ये दोनों न्यूमरेटर में होना मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बात तो सही है। तो अजर्शन जो है मेरे को तो ये पसंद आई स्टेटमेंट, मैं कहूंगा अजर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन में लिखा हुआ है The SI unit of current is ampere, मतलब ये समझ नहीं आया लंबाई से SI unit का क्या मतलब है। तो ये स्टेटमेंट को सुन के ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का रीजन है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। करंट की SI unit ampere ही होती है, स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये इसका ऊपर वाली का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। That means
अजर्शन ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, लेकिन रीजन ऊपर वाली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? तो हाँ बच्चों, ऐसा ऑप्शन है मेरे पास. बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. ये है ऑप्शन नंबर बी. तो इस तरीके से मुझे समझ आता है कि किस तरीके से अजर्शन रीजन को अटेम्प्ट करना है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका ये स्किल शार्प होगा. यस, तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि अजर्शन रीजन अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट से पूछा जाए साइंस के, तो उसे कैसे अटेम्प्ट करें. साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने बार बार कहा है वीडियो के बीच में भी, एनसीईआरटी को ना भूलना, एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, तभी अजर्शन रीजन और केस सॉल्विंग वाले प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे. सो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ. हैप्पी लर्निंग गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम.